बोलो श्री सतगुरु महाराज की। श्री महामत कहे ए मोमिनो, सुनियो यह बीतक। आगे फिर कहत हो जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। खेता भाई के कार्य हेतु अरब को गए। संबत 1773 हुकम हुआ श्रीराज। प्रणधार सुंदर साज जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस प्रकार श्री मिहिरराज जी और सदगुरु धनश्री देवचंद्र जी के मिलन की भूमिका बनती है, किस प्रकार वे दोनों मिलते हैं, कैसे सदगुरु धनश्री देवचंद्र जी की पहचान करके वे सेवा करते हैं, किस प्रकार गोवर्धन जी और मिहिर राज जी में दोनों में लौकिक और अलौकिक दोनों नाते की दृष्टि से प्रेम होता है, कैसे निरंतर गांगजी भाई जी के घर में चर्चा सुनने जाने के कारण अपने ही बड़े भाई सांवल्य ठाकुर के साथ विवाद होता है, कैसे कानजी भट्ट जी से बात करते हैं, किस तरह से वे प्रश्न पूछ करके भट्ट जी को निरुत्तर करते हैं, किस प्रकार गोवर्धन जी का धाम गमन होता है, कैसे मिहिरराज जी विरह करते हैं और किस प्रकार उन्हें कुछ समय के लिए माया में उलझाने के लिए अहमदाबाद भेजा जाता है और अहमदाबाद से वापस आने तक की बीतक का हमने कल श्रवण किया। अब आगे महामति श्री लालदास जी कह रहे हैं, संबत 1773 हुकम हुआ श्रीराज। विक्रम संबत 1703 में राज्य का हुक्म हुआ सदगुरु धनश्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान राज्य ने हुक्म दिया मिहिर राज्य को कि गांगजी भाई जी का एक कार्य है जिसे आपको अरब में जाकर के पूरा करना है। कहते हैं कि खेता भाई जो है वो गांगजी भाई जी के भाई हैं जो अरब गए हैं और 25 वर्ष इनको भय, तुम सीताब जाओ, अब सीताब अर्थात शीघ्रता पूर्वक आप अब जल्दी ही जाइए और जा करके उन्हें जगाने का प्रयास कीजिए, उन्हें समझाने का प्रयास कीजिए। यदि वे सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं तो उनके धन से सुंदर साथ की बड़ी सेवा हो सकती है और वो सारी की सारी सेवा की शोभा राज जी आपको देंगे। देवचंद्र जी ने जो बात कही उसे मिहिर राज जी ने राज जी का हुक्म माना और उस हुक्म को सिरोधार्य करके नाव में बैठकर अरब की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। फागुन का महीना था, फागुन का महीना मतलब यहाँ के हिसाब से फरवरी और मार्च में पड़ता है, उस समय बहुत तेज हवा चल रही होती है और उस समय तो आजकल की तरह इंजन वाले स्टीमर वगैरह नहीं थे। नाव अथवा जहाज या तो चप्पू के आधार पर चलाया जाता था और अब बहुत लंबी दूरी की यात्रा हो समुद्र में तो चप्पू भी कहाँ तक चलाया जाए, तो सही दिशा में हवा चलने की प्रतीक्षा की जाती थी कि पूर्विया हवा चल रही है कि पश्चिमी हवा चल रही है, फिर जिस दिशा में यात्रा करनी हो उसी ऋतु के अनुसार यात्रा का दिन निश्चित होता था। अब फागुन के महीने में तेज हवा, तो उसी हवा के आधार पर नाव पर बैठते हैं, 40 दिन तक नाव की यात्रा करके अरब देश पहुंचते हैं और वहां जाकर के खेता भाई से मिलते हैं। मिलते ही पहचान के लिए सबसे पहले तो पाती देते हैं, पाती अर्थात चिट्ठी, जो चिट्ठी गांगजी भाई जी के द्वारा भेजी गई होती है वो देखते हैं। अब पत्र देख करके जब ये देखा कि मेरे वतन से
मेरे देश अथवा गांव से मेरी जान पहचान के लोगों ने अपने किसी व्यक्ति को भेजा है, तो खेता भाई बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के मिहिर राज जी को अपने लेन देन के कार्य में रख लेते हैं। और कौन सा कार्य देते हैं कि खेता भाई के अब का काम क्या था, व्यवसाय क्या था, वो दूसरों को ब्याज पर धन दिया करते थे, तो वो धन वगैरह वसूल करने की जिम्मेदारी, इकट्ठा करके वापस लेने की जो जिम्मेदारी थी वो मिहिर राज जी को सौंप दी। मिहिर राज जी वो काम तो करते हैं दिन भर, लेकिन रात के समय जब बैठते हैं तो बैठते समय वो राज जी की परम धाम की बातें सुनाते हैं और क्या कहते हैं कि तुम नौतनपुरी चलो, अब तक तुमने बहुत अधिक धन जमा कर लिया है, 25 वर्षों में कितना धन कमाया होगा, तो 25 वर्षों में आपने बहुत दुनिया का धन जमा किया है, अब आप नौतनपुरी चलो, वहां चल करके सुंदर साथ की सेवा करो। अब तारतम की बात सुनाते तो हैं, क्या कहते हैं श्री लालदास जी उस प्रसंग में कहते हैं कि श्री तारतम की बातें सुनाई बहुत तक, उनको छांट न लागही सब कही अपनी बीतक। उनको थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता है और वो क्या करते हैं, वो तो अपनी ही बात करते रहते हैं। जैसे कि मिहिर राज जी परम धाम की बात कर रहे हो, सुंदर साथ की बात कर रहे हो, राज जी की ब्रज रास की लीला की बात कर रहे हो, वो बीच में अचानक से अपनी बात मतलब अपने व्यापार से संबंधित बात करते हैं कि फलाने व्यक्ति से इतना धन लेना था तुम्हें, लिया कि नहीं लिया, उसका हिसाब किताब किया कि नहीं किया, उसने ब्याज दिया कि नहीं दिया, इस तरह की दुनिया की बातें वो पूछते रहते हैं। अब मिहिर राज जी के मन में सिर्फ यही भाव है कि यदि वे वापस जाते हैं तो गांगजी भाई जी को सहयोग होगा, उनकी मदद होगी कि गांगजी भाई बेचारे अकेले सब सुंदर साथ की सेवा करते हैं, ये भी जाएंगे तो दोनों भाई मिल करके सुंदर साथ की सेवा करेंगे। और इसी प्रयोजन से, केवल इसी प्रयोजन से 4 वर्ष हो गए, 1-2 दिन की बात नहीं, 4 वर्ष तक वो खेता भाई के लिए मेहनत करते हैं, सोचिए। और उसके बाद एक दिन क्या होता है, अचानक खेता भाई की मृत्यु हो जाती है। खेता भाई की तो मृत्यु हो गई और उनकी सभी संपत्ति पर, उनके गोदाम इत्यादि पर वहां का एक हाकिम होता है शेख सालेह, वो अपनी मुहर लगा देता है। मुहर का तात्पर्य क्या होता है, स्टाम्प बोलते हैं ना आज की भाषा में, लेकिन आज का स्टाम्प कैसा होता है, नॉर्मल जैसे इंक में लगाया और ठप्पा डाल दिया, ऐसा नहीं। पुराने समय का की जो मुहर होती थी वो सरकारी मुहर कैसे लगाई जाती थी, जैसे किसी गोदाम में ताला वगैरह लगाना हो तो दरवाजा बंद कर दिया, बड़ा सा ताला लगाया, उस पे कपड़े इत्यादि लपेटे और फिर उसको बंद करके वहां पर जैसे मोम नहीं होता है कैंडल जैसा, वैसा ही मोम जैसा कुछ होता था, उसको मुहर में लगा करके चिपका दिया जाता था, जिसको आज की भाषा में सील कहते हैं। तो इस तरह से मुहर लगवा दी गई। अब मिहिर राज जी उस समय बाहर थे, जब वापस आए तो उस हाकिम ने, शेख सालेह ने, वो चाबी देने से मना कर दिया, वो जो धन था वो देने से मना कर दिया और मिहिर राज जी पर भी कुदृष्टि की। अब वहां से मिहिर राज जी रात को जैसे तैसे जान बचा करके जाते हैं, पास में किसी पहाड़ी पर, टीले पर जा करके रात गुजारते हैं और वहां से सीधे वो सुल्तान के पास चले जाते हैं। सुल्तान जिसको खलीफा कहा जाता है, इराक का सुल्तान, तो मिहिर राज जी जाते हैं राजधानी बगदाद में, और वहां जो सुल्तान था उसके दरबार में 2 महीने तक फरियाद लगाते रहते हैं कि कोई मेरा न्याय करे,
दो महीने तक वो मिलने की कोशिश करते हैं खेता भाई के काम से, लेकिन कोई मिलने नहीं देता है। एक दिन दो महीने बाद की बात है कि वहां से उदास, हताश, निराश, परेशान होकर के जा रहे होते हैं। किसी एक जगह पर ठहर करके किसी पत्थर के ऊपर बैठे होते हैं और चिंता में होते हैं, चिंतन कर रहे होते हैं कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो वहां एक शख्स मिलता है। वो शख्स और कोई नहीं है, राज्जी का जो जोश है, उस जोश की शक्ति ने ही उस व्यक्ति का रूप धारण किया और मिहिर राज्जी को वो सिखाता है। एक पत्र लिख देता है और कहता है कि जब सुल्तान नमाज पढ़ने के लिए जाएगा तो उस समय उसका पल्ला पकड़ करके, दामन पकड़ करके ऐसे खींच लेना, और जब वो तुमसे पूछेगा तो हिम्मत करके अपनी बात कहना, ये चिट्ठी देना और अपनी बात रखना कि मेरे गले में थी, मैं डालत हूँ गले तुम, लेऊं हिसाब रोज रोज ईद के, जब होवे हक हुकम। अब तक ये जिम्मेदारी मेरे गले में थी, मुझ पर थी, लेकिन अब मैं आप पर सौंप रहा हूँ। यदि आपने अभी मेरा न्याय नहीं किया तो सातवें दिन न्याय के दिन में उस खुदा के सामने न्याय मांगूंगा और वहां तुम्हारा दामन झटकूंगा। दामन किसे कहते हैं? जैसे कुर्ता पहनते ना, तो कुर्ते में आगे पीछे जो कपड़ा लटक रहा होता है लंबा सा, उसको दामन कहा जाता है। तो इस तरह से सिखाया गया। वो शख्स तो वहां से चला गया। मिहिर राज जी आते हैं, वापस अब प्रतीक्षा करते हैं कि सुल्तान नमाज के लिए जब जाएगा। वो रास्ते में खड़े हो जाते हैं और जैसे ही उनके सामने से सुल्तान गुजरता है, वो दौड़ के जाते हैं और कुर्ता पकड़ करके खींच देते हैं। और जैसे ही कुर्ता उन्होंने खींचा तो उस कुर्ते की कस टूट जाती है। कस मतलब आजकल तो बटन वगैरह लगाए जाते हैं ना कुर्ते में, आज भी आप कच्छ के तरफ जाकर के देखेंगे तो वहां पर जो पुराने जो लोग हैं, या काठियावाड़ की तरफ जाकर के देखेंगे तो वहां पर वो कस बांधा जाता है, बीच में नहीं होता है, साइड में गांठ बांधी जाती है, उसको कस कहते हैं। तो वो टूट जाती है। इतने में सुल्तान के जो अंगरक्षक थे उनको लगा कि बादशाह पर हमला हुआ है। सबने अपनी अपनी तलवारें निकाली तुरंत ही, लेकिन बादशाह ने सबको रोक दिया सुल्तान ने, और कहा कि हे बेटे डरो मत, ला तखोफ या बनी, कहो सब तेरी बात। बनी कहते हैं बेटे को कि हे बेटे डरो मत, तुम्हारी जो भी बात है वो कहो मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया। तो मिहिर राज जी जो चिट्ठी उनके पास होती है वो चिट्ठी दे देते हैं, अपनी सारी बात कह देते हैं संक्षेप में, और कहते हैं कि ये मेरे गले का बोझ था जो मैंने अब आपकी गले में डाला है। यदि आपने अभी मेरा न्याय नहीं किया तो जब खुदा न्यायाधीश बन के बैठेगा रोजे हश्र के दिन, या जिसको रोजे ईद भी कहा जाता है उस दिन, तो मैं उस समय भी आपका दावनगीर रहूंगा, उस समय भी आपका पल्ला झटकूंगा। तो सुल्तान ने सोचा कि ये बात तो हर कोई नहीं करता है, सातवें दिन की न्याय की बात कौन करता है, और कयामत की बात इस तरह से करने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता है। उसने अपना दामन ऐसे झटका, सीधा किया और आसमान की तरफ देखा, ये भाव लेकर के कि वो खुदा को देख रहा है, और कहता है कि ये खुदा, आज तक मुझे ऐसे सुकन, ऐसे शब्द कभी भी किसी ने नहीं सुनी थी, नहीं सुनाई थी, नहीं कही थी। मिहिराज जी कहते हैं कि मैं भी नहीं कहता, यदि मुझ पर इतना जुलम नहीं हुआ होता, मुझ पर इतना अत्याचार नहीं हुआ होता तो मैं भी नहीं कहता, पर मुझ पर बड़ा जुलम हुआ है, मैं दर दर भटका हूँ, मैं तुम तक अपनी बात पहुँचाने के लिए दो दो महीने तक भटका हूँ, तब जाकर के मुझे ऐसे कठोर शब्द कहने पड़े, तब जाकर के मुझे ऐसे कठोर कदम उठाने पड़े। अब क्योंकि एक मुस्लिम हमेशा जब भी कोई बात कहेगा तो वो अल्लाह को साथ में रख करके कहेगा, उसने कहा इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह मतलब अल्लाह की
इच्छा से, अल्लाह के हुक्म से ऐसा। भले ही एक साधारण मुस्लिम व्यक्ति भी होगा, वो चाहे अपने मन की कर रहा होगा तब भी वो इंशाअल्लाह कहेगा। और वो तो बादशाह था, सबको वो इस्लाम की बात बताता था, सब पूरे इस्लाम जगत का प्रतिनिधित्व करता था। उसने कहा कि इंशाअल्लाह मैं तेरा इंसाफ करूंगा और तेरा जो है वो तुझको दिलाऊंगा, और तूने जो किया है यहाँ पर, तूने जो गुस्ताखी की है, जो हिम्मत की है, मेरा दामन झटकने की, मैंने उसके लिए भी तुम्हें माफ कर दिया। इतना कह करके वो वहां से अपनी नमाज पढ़ने के लिए गया, और नमाज पढ़ के जब वापस आया, अगले दिन सुबह उसको याद आया कि जिसने मेरा दामन झटका था उसका पता पूछना तो मैं भूल गया। अब उपाय किया उसने कि सैनिकों को भेज दिया, कहा कि ढिंडोरा पिटवाया जाए कि कल जिस शख्स ने बादशाह का दामन झटका था उसको बादशाह ने बुलाया है। अब नगाड़ा बजाया जाता है, ढिंडोरा पिटवाया जाता है, सब जगह पर यह बात फैलती है। मिहिर राज जी वहीं पर थे, वो आगे आकर के कहते हैं कि मैंने ही बादशाह का दामन झटका था। अब जो दो सैनिक थे ये नए थे, इनको पता नहीं था कि बादशाह ने क्यों बुलाया है। उनको लगा कि शायद ये गुनहगार हैं और बादशाह ने सजा के लिए बुलाया है, तो वो बाजू पकड़ करके लेके जाते हैं एक अपराधी की तरह। मीरा जी चुपचाप चले जाते हैं। जब बादशाह के सामने पहुंचते हैं तो बादशाह ने सबसे पहले तो मिहिरराज जी को हिंदुस्तान की खबर पूछी, मिहिरराज जी के परिवार और आसपास के लोग इन सब की, फिर हिंदुस्तान में इस्लाम के बारे में पूछा, और मिहिरराज जी ने जो कुछ भी बताया तो उसमें फिर बादशाह ने पूछा कि आप ये बताओ कि आप दरबार में आए थे तो किससे मिलने की कोशिश की थी और किसने आपको मुझसे मिलने नहीं दिया। अब मिहिरराज जी को लगा कि अगर मैं सच बोलता हूं तो क्या होगा, बादशाह हो सकता है कि उसको कोई गंभीर सजा दे, हो सकता है कि नौकरी से छुड़वा दे, हो सकता है कि उसको मृत्यु दंड दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो मिहिरराज जी को लगा कि नहीं, उसको बचाया जाए। मिहिरराज जी ने उसको बचाने के लिए कहा कि देखिए, मैंने किसी को भी नहीं कहा, मैं सीधे आपसे ही मिलना चाहता था। अब सुल्तान और अधिक खुश हुआ, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये भारतीय मिहिरराज जी के लिए, कि ये भारतीय कितना नेक दिल है कि जिसने इनको 2 महीने तक परेशान किया वो उनको भी बचाने की सोच रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इनको दंड ना मिले। अब ये बहुत अधिक खुश हुए मिहिरराज जी की नेक दिली पर, और उन्होंने उस बादशाह ने चिट्ठी लिखी जो हाकिम था उसके लिए, साथ में अपने सैनिक को भेजा। उस चिट्ठी में लिखवाया कि शेख सालेह, अगर तूने मिहिरराज जी की संपत्ति वापस नहीं की जो कि खेता भाई की है, तो मैं तुम्हें जड़ मूल सहित परिवार सहित नष्ट कर डालूंगा अगर तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। इस तरह से चिट्ठी लिख करके एक सैनिक को मिहिरराज जी के साथ भेज दिया। शेख सलाह के दरवाजे पर आते हैं, आकर के वो चिट्ठी देते हैं। चिट्ठी देखा तो वो डर तो गया कि बादशाह के तरफ से चिट्ठी आई है। तुरंत उसने गोदाम की चाबी भी दे दी, अपने हाथ से वो खोल भी दिया, और उधर रात को उसने योजना बनाई। होता ना, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति, यदि उनको कोई चीज नहीं मिलती है तो ईर्ष्या के वशीभूत होकर के उस चीज को नष्ट करने की सोचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये वस्तु मैं नहीं ले पाया तो किसी दूसरे की भी नहीं होनी चाहिए। तो उसने रातों रात अपने लोगों से षड्यंत्र करके उस गोदाम में आग लगवा दी। मिहिरराज जी जैसे तैसे वहां से बच करके भागते हैं। अब उधर क्या होता है कि खेता भाई की मृत्यु के तुरंत बाद
मिहिर राज जी ने पत्र भिजवाया होता है। अब सोचिए कि 40 दिन तो नाव में केवल यात्रा यात्रा करने में लग रहा था, तो पत्र भेजने पर कितना समय लगा होगा इधर पहुंचने में और फिर इधर से वापस। अगर केवल नाव की यात्रा की भी बात करें तो लगभग लगभग 2.5 महीने का समय लग जाएगा आने और जाने में। तो पत्र कितने दिन में पहुंचा होगा गांगजी भाई के घर पे या देवचंद्र जी के पास। फिर उसके बाद देवचंद्र जी ने भेजा बिहारी जी को और श्याम जी को। श्याम जी और बिहारी जी पहुंचे होंगे फिर 40-45 दिन का समय लगा करके। तो इतने इसमें काफी लंबा समय लग गया था। इसी बीच में ये सारी घटनाएं हुई है। मिहिर राज जी ने चिट्ठी भेजी जामनगर और फिर वापस बिहारी जी और श्याम जी के पहुंचने में जो समय लगा है लगभग हो सकता है कि 3 महीने के आसपास का समय लगा हो। इसमें 2 महीना तो केवल उसके दरबार में ही भटकते रहे हैं। तो इसके बाद अब बिहारी जी और श्याम जी पहुंच जाते हैं। जब तक पहुंचते हैं तब तक काफी देरी हो चुकी होती है। अब सारा गोदाम जल चुका होता है। अब गोदाम के जलने के बाद भी होता क्या है कि जैसे धातु वगैरह होते हैं ना, स्वर्ण है, चांदी वगैरह है, ऐसे जो धातु वगैरह है वो तो पिघलने के बाद भी कीमत तो उसकी रहती है। तो इसलिए ऐसे कुछ जो सामान थे वो और जलने में कुछ जो चीज बच गई होगी वो थोड़ा बहुत दे देते हैं और कुछ लोगों से वसूली करना बाकी होता है, कुछ लोगों से धन लेना बाकी होता है, जिनमें से कुछ कुछ लोगों ने दिया होता है थोड़ा बहुत। तो मिहिर राज जी कहते हैं कि अभी तो यही है, आप लोग इसको लेकर के चले जाइए, ये जब तक आप लेकर के पहुंचते हैं मैं कुछ और लोगों से भी धन लेना है, उनसे वसूली करके उनसे धन लेकर के मैं वापस आ जाऊंगा और फिर सेवा हो जाएगी। अब उन्होंने मिहिर राज जी ने एक लेख पत्र भी दिया, आज के हिसाब से देखा जाए तो दैनंदिनी होती है ना डायरी, तो एक डायरी भी दी जिसमें सारा हिसाब किताब लिखा हुआ था, क्योंकि इन 4 वर्षों में उन्होंने किससे लेना था, किसको कितना देना था, वो सब कुछ लिख रखा था। और ये जरूरी होता है, अमूमन जो भी लोग पैसे का हिसाब किताब करते हैं उन पर किसी न किसी रूप में आरोप आ जाता है। इसीलिए हर पैसे का लेखा जोखा करने वाले व्यक्ति को, पैसे से संबंधित लेन देन का व्यवहार करने वाले व्यक्ति को हमेशा हिसाब रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई ऑफिस में कार्य करता हो, कोई किसी संगठन में कार्य करता हो, किसी समिति में, समाज में, किसी में भी कार्य करता हो, यदि आप पैसे का कोई भी लेन देन करते हैं, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी खर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किससे ले रहे, किससे दे रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन यदि सामाजिक धन है जिस पर आपका व्यक्तिगत अधिकार नहीं है तो फिर एक एक रुपए का हिसाब किताब देना होता है, एक एक रुपए का हिसाब किताब रखना पड़ता है, क्योंकि फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आपसे 1 रुपए की गड़बड़ी हुई है कि 10 रुपए की हुई है कि 1000 रुपए की हुई है। एक बार जब चोर होने का ठप्पा लग जाता है तो फिर आप ये सफाई नहीं दे सकते कि नहीं वो तो 1 ही रुपए की गड़बड़ी थी। इसीलिए 1-1 रुपए का हिसाब किताब रखना पड़ता है, ये बुद्धिमत्ता है। मिहिर राज जी ने भी इसी तरह से सब रोजनामा लिख रखा था, डेली जो डायरी होती है वो बना रखी थी, वो सब ला करके दिया। अब वहां से बिहारी जी और श्याम जी वापस आते हैं। वापस आते समय वो सोचते हैं कि ये धन अगर वापस गया गांगजी भाई जी के पास, मतलब श्याम जी के पिताजी के पास, या देवचंद्र जी के पास, बिहारी जी के पिताजी, तो दोनों के पिताजी जो है वो अग्रगण्य है। सदगुरु धनेश्वरी देवचंद्र जी के अंदर तो राज्य बैठ करके लीला कर ही रहे हैं और गांगजी भाई उस समय सेवा में सबसे आगे हैं। और दोनों के पुत्र कैसे हैं, बिहारी जी और
श्याम जी जैसे। उन्होंने सोचा कि ये धन अगर वापस गया तो वाहवाही किसकी होगी? मिहिरराज जी की, क्योंकि मिहिरराज जी ने जो काम किया था वो छोटा मोटा काम नहीं था। आज के युग में जब तकनीक का जमाना है, यदि आपको यहां से दिल्ली भी भेज दिया जाए, 4 घंटे की दूरी है ना, 40 दिन की नहीं, 4 घंटे की दूरी है, और दिल्ली जा करके किसी सुंदर साथ के वहां से कुछ सामान लेकर के आना हो जो थोड़ा सा भारी हो, तब भी आपको कितनी तकलीफ होगी। और मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि नहीं, फोन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ही जाना है, केवल पते के आधार पर, चिट्ठी के आधार पर, तब भी कितनी तकलीफ होगी? तकलीफ और थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना, जबकि केवल 4 घंटे का सफर है। सोचिए मिहिरराज जी की उम्र जब अरब गए थे तो कितने साल की थी? 28 साल, है ना। 28 साल की उम्र में दूसरे देश गए हैं जहां पर कोई अता पता नहीं। भाषा भी तो फर्क है ना, भाषा फर्क है, संस्कार, संस्कृति, कल्चर सब फर्क है। और ऐसे देश में जाकर के करना, और फिर सोचिए कि राजा का पल्लू झटकना, बादशाह का दामन झटकना, उससे न्याय मांगना, दरबार में जाकर के 2-2 महीने तक भटकते रहना, तो ये बहुत बड़ा काम था उनकी उस समय की उम्र के हिसाब से। लेकिन उन्होंने किया, और क्यों किया? केवल सतगुरु के आदेश का पालन करने के लिए। उसमें उनको कमीशन नहीं मिलना था, उसमें उनको कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ नहीं था, केवल सतगुरु महाराज के आदेश पर कि इससे सुंदर साथ की जागने में लाभ होगा। तो सदगुरु के वचनों पर किस प्रकार से समर्पित होकर के चलना चाहिए, ये हमें इस प्रसंग से सीखने को मिलता है कि उसमें सवाल नहीं करना है कि हमसे कैसे होगा, हम कैसे कर पाएंगे। तो ये सदगुरु के वचनों पर समर्पण जो है वो मिहिर राज्य के इस प्रसंग से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि परमहंस परंपरा में या सदगुरु की परंपरा में एक बात जो सीखने को मिलती है, एक बात सुनने को मिलती है, कहा जाता है कि सदगुरु की लात में भी बात होती है। क्या होती है? सदगुरु की लात में भी बात होती है, अर्थात यदि सदगुरु हमसे कोई कठोर शब्द भी कह रहे हैं, हमसे कठोर परिश्रम भी करा रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ी दूर दृष्टि होती है। हमें कैसा लगता है कि इसकी क्या जरूरत है करने की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने सदगुरु से ज्यादा ज्ञानी हैं, या नहीं भी है तो बनने की कोशिश करते हैं, चतुर बनने की कोशिश करते हैं। आज जो तारीख है, तिथि है, 2 अगस्त, राज्य की कृपा से मैं सन 2006 में आज ही के दिन ज्ञानपीठ आया था सबसे पहले, और उस दिन से लेकर के अब तक इन 18 वर्षों में मैंने जो देखा है या जो भी अपने जीवन में भोगा है, तो इन 18 वर्षों के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि सदगुरु की लात में बात होता है। वैसे हमें कभी लात नहीं मारा है, वो तो सपने में भी नहीं सोच सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, पर जैसे हमें कई कई बार, ये बात वैसे तो पता नहीं, मुझे नहीं पता नहीं कि कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, पर मैं सभी सुंदर साथ के लिए और विशेष रूप से हमारे जो बच्चे हैं ज्ञानपीठ के, उन सबके लिए कह रहा हूँ कि कभी कभी स्वामी जी जो काम करवाते थे या जो सेवा जिसको हम कहते हैं ना, तो जिस सेवा के लिए कहते थे तो लगता था कि इसकी जरूरत क्या है, हमें उस समय वो अनावश्यक लगता था। लेकिन जब जब परिस्थिति बदली, जब हम थोड़े से समझदार हो गए, थोड़े से, ज्यादा तो नहीं है,
पर थोड़ी सी समझदारी आई तब जाकर के समझ में आया कि ये जो भी स्वामी जी ने उस समय कराया था वो आज के लिए तैयारी थी। मैं आपको एक आध उदाहरण देता हूँ। जैसे आप लोग पीछे देख रहे हैं हमारा जो हॉल है ना, आप में से तो शायद कोई भी इतना पुराना नहीं है, कोई भी इतना पुराना नहीं होगा। तो पीछे जो आप हॉल देख रहे हैं जहां पर हमारा वार्षिक उत्सव में कार्यक्रम होता है, जहां पर अभी नीचे फर्श डली हुई है बढ़िया सी, तो यहां पर फर्श डलने से पहले हमने कई वर्ष तक इसमें घास उगाने की कोशिश की है। ठीक है, दूब होती है ना, जैसे बाहर घास नहीं लगाया जहां पर हम लोग खेलने के बाद बैठते हैं, तो ऐसे दूब उगाने की कोशिश की है। एक बार दो बार नहीं, कम से कम हमने 10 बार यहां पर कोशिश की होगी, या हो सकता है उससे भी ज्यादा बार, कि घास ला करके लगाया जाए, पानी वानी डाल दिया जाए, लेकिन अब धूप ढंग से पहुंचती नहीं है तो सूख जाती है, खराब हो जाती है। फिर स्वामी जी कहते थे कि नहीं, लगाना है, लगाना है। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि जैसे तैसे करके घास लग भी गया सभी जगह पे। उसके बाद चितवनी शिविर आई, चितवनी शिविर आई तो वहीं पर सब लोगों को ध्यान में बैठना है, ऊपर से जो ऐसी गलीचा है ना, या दुलीचा जिसको कहते हैं, ऐसा बिछाया गया, दरी वगैरह बिछाई गई, उस पर सुंदर साथ बैठे 7 दिन की चितवनी शिविर। और जैसे ही वो हटाया तो पता चला कि नीचे सब सूख चुका है। उसके बाद दोबारा लगवाया गया। अब एक सामान्य व्यक्ति इसे देख करके हठ भी कह सकता है, और सकारात्मक दृष्टि से देखने पर इसको दृढ़ संकल्प भी कहा जा सकता है। पर सदगुरु न हठी होते हैं न संकल्पी होते हैं। मेरी दृष्टि में सदगुरु केवल अपने शिष्यों को परख रहे होते हैं, पहचान कर रहे होते हैं कि ये मेरी परीक्षा में सफल होते हैं कि नहीं होते हैं। इसलिए दृष्टांत मैंने इससे पहले शायद 2 बार दिया है व्यक्तिगत कक्षा में, जो प्राइवेट क्लासेस होती है ना हम सबके बच्चों की, उसमें माताएं बहुत सारी जो ज्ञानपीठ में पहले से जुड़ी हुई है, माताएं जानती हैं कि ज्ञानपीठ में हमारे बैच ने, हम 6 या 7 लोगों ने मिल करके 1,00,000 ईंटें बनाई थी। माता जी को पता होगी है ना। अच्छा, 1,00,000 ईंटें बनाने के पीछे कारण हमें ये बताया गया कि बाहर से जब हम ईंटें खरीद के लाते हैं तो पड़ता है 4.5 रुपये प्रति ईंट, तो 4.5 लाख रुपये लगते हैं, और यहाँ बनवाने पर वही बन रहा था लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये में। ठीक है, तो हुआ क्या कि हिसाब किताब जब लगाया गया तो हमारा समय, परिश्रम, उन सबको साइड में रखा जाए, तब भी लगभग लगभग 3.5 लाख रुपये तक का खर्च हो गया था। और उसके बाद जो ईंटें बनी वो भी कच्ची ही बनी, मतलब ढंग की ईंटें नहीं बनी। हमारे हिसाब से तो अच्छी थी क्योंकि पहली बार बनाया था, पर जो क्वालिटी चाहिए थी मकान बनाने के लिए, यहाँ के बिल्डिंग्स बनाने के लिए, वो तो नहीं बन पाई। और उसको हमने लगाया पहले तो दीवार बनाने में, जो बाउंड्री वाल बनी है, फिर बाउंड्री वाल किसी कारण से गिर गई, तो फिर उसको हमने नीचे जो सड़क जिस पर आप सब लोग चलते थे पहले, ये नई टाइल लगने से पहले, सीमेंट वाली टाइल लगने से पहले, तो उसमें लगाया। अच्छा, जब थोड़ी सी अकल आई तो हमें समझ में आया कि हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिस्थितियों को झेलना सिखाया जा रहा था। ईंट बने ना बने, लेकिन उस समय जिन जिन लोगों ने परिश्रम किया है, मैं अभी नाम लेना जरूरी नहीं समझता हूं, पर उस समय जिन जिन लोगों ने सेवा में अपने आप को खपाया था, सेवा में अपने आप को लगाया था, उन्होंने धूप नहीं देखी, वर्षा नहीं देखी, तो वे सभी लोग राज्य की कृपा से किसी न किसी अच्छे पद पर हैं, किसी न किसी अच्छे स्थान पर हैं अभी, और सभी लोग सुंदर साथ के बीच में भी प्रतिष्ठित हैं। और जिन लोगों ने अपना शरीर बचाया सेवा से, कि नहीं हम तो नहीं करेंगे जी, कई लोग ऐसा कहते थे, देखिए मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, इसलिए मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ, कई लोग कहते थे कि इसका नाम ज्ञानपीठ है कि सेवा पीठ है, ज्ञानपीठ है तो ज्ञान दो ना, सेवा की जरूरत क्यों है, सही में ऐसा कहते थे। लेकिन जो लोग उस समय केवल किताबों में लगे रहे, वो आज कई लोग उनमें से
शायद उनको कोई नहीं जानता है और कई लोग तो हमारे टच में भी नहीं है, लेकिन जो लोग किताबों के साथ साथ में सेवा में भी थे, जिन्होंने दोनों में बैलेंस बनाया, तो वे आज सभी लोग या तो अधिकांश लोग ज्ञानपीठ में आचार्यों के रूप में हैं, या फिर ज्ञानपीठ के प्रचारकों के रूप में हैं, या फिर नेपाल और भारत से बाहर विदेश में किसी न किसी अच्छे स्थान पर हैं। और उनमें इतनी योग्यता है कि सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी अच्छे अच्छे जगह पर वो पोस्टेड हैं। तो इन सब के पीछे कारण क्या था, जो उस समय स्वामी जी ने सिखाया। इसीलिए इस प्रसंग से, क्योंकि आज का दिन भी थोड़ा वैसा ही बना, तो मेरे मन में भाव आया और वो भाव मैंने आप सभी, विशेष रूप से मैं ये बात विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ, जो सुंदर साथ यूट्यूब के माध्यम से भी मेरी बात को सुनेंगे, आप सब भी ये बात समझ लीजिए कि सतगुरु की लात में भी बात होती है। तो जो भी हमने उस समय परिश्रम किया वो आज कहीं ना कहीं सफल होता हुआ हमें दिखता है। हाँ, जितना हमें करना ना चाहिए था, हो सकता है कि हमने उतना ना किया हो, इसीलिए जितना किया उससे तो ज्यादा ही मिला है, पर हम इससे थोड़ा और ज्यादा करते तो और भी अधिक मिल सकता था। तो श्री देवचंद्र जी ने ये नहीं देखा कि सदगुरु ने हमें कैसी जगह पर भेज दिया। अच्छा, खेता भाई का धन तो लगना ही नहीं था। खेता भाई का जो धन है वो उसी तरह से सेवा में नहीं लगना था जैसे हमारी ईंटे बिल्डिंग में नहीं लगी, पर उसमें मिहिर राज जी को सिखाना था जैसे हमें यहाँ पर सिखाया गया। खेता भाई ने जिस प्रकार से धन अर्जित किया था सुंदर साथ में लग ही नहीं सकता था, क्योंकि यदि राज जी उस धन की सेवा चाह रहे होते, अगर राज जी धन की सेवा चाह रहे होते तो किसी में ये क्या मजाल कि उस धन को आग लगा दे, कोई लगा सकता था। लेकिन वहां धन मंगा करके सुंदर साथ की सेवा करना नहीं था, वहां मिहिर राज जी को सुंदर साथ की सेवा के लिए तैयार करना था, वो भूमिका बनानी थी, उनको एक तरह से परिश्रम करना भी सिखाया जा रहा है, प्रतिकूल परिस्थितियों में ढलना भी सिखाया जा रहा है, और मिहिर राज जी को श्री देवचंद्र जी से अलग होना भी सिखाया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मिहिर राज जी लगभग 5 वर्षों तक श्री देवचंद्र जी से जाहिरी रूप से अलग नहीं होते, दूर नहीं होते, तो शायद देवचंद्र जी ने अचानक से प्रणाम स्वीकार नहीं किया होता तो वो इतना टूट जाते कि जीवित ही नहीं रहते, फिर उस तन से जागने का कार्य कैसे होता। लेकिन पहले से ही वो जीव 5 वर्षों तक दूर रह करके थोड़ा कठोर बन गया था, थोड़ा सा आदि हो गया था, दुख तो हुआ उनको, विरह भी किया, लेकिन शरीर नहीं छूटा। तो इसलिए हर चीज की भूमिका राज जी बनाते हैं। हम इसको लौकिक दृष्टि से न देखें कि मिहिर राज जी धन लेने के लिए गए थे, बाहरी जो बहाना दिया गया वो धन का ही था, लेकिन वास्तव में तो मिहिर राज जी को तैयार करना था। इसीलिए अगर सदगुरु कुछ कहते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए। हमारा जीव कठोर है, खांगड़ू है, धूर्त है, दुष्ट है, लेकिन आत्मा तो है ना, हमारे पास तारतम ज्ञान है, हमारे पास अविवेक है, तो हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि सदगुरु की आज्ञा का हम पालन करें। तो अब बिहारी जी और श्याम जी वापस आए, वापस आते समय उन्होंने क्या योजना बनाई कि ये जो धन है ये पहुंचने न दिया जाए। उन्होंने धन भी पानी में फेंक दिया, लेखा जोखा का जो कुछ भी था वो सब फेंक दिया। उन्होंने क्या सोचा कि मिहिर राज जी की वाहवाही नहीं होनी चाहिए, और आकर के अपनी जो बुआ है बालबाई जी उनसे चुगली कर दी, झूठ मूठ का कह दिया कि मिहिर राज तो उधर से सारा धन उधर ही उधर बाहरी बाहर अपने घर में पहुंचा चुके हैं। अब माताएं थोड़ी भावुक होती हैं, अब भावुकता में उन्होंने सोचा ही नहीं कि मिहिर राज ऐसा नहीं कर सकते, वो रिश्तेदारी में आ गई कि हमारा भतीजा कह रहा है तो झूठ थोड़ी बोलेगा हमसे,
अब इन्होंने ऐसे नाटक करके कहा, वो सच मान बैठी और जाकर के जाम राजा के यहाँ पर चुगली कर दी कि मिहिरराज वापस आने वाले हैं, उनके पास जो धन है वो उनका नहीं है, उस धन पर उनका कोई अधिकार नहीं है, यदि वो धन हमारा नहीं होगा तो वो धन कहाँ जाना चाहिए, वो जाना चाहिए राज दरबार में। अब राजा को जब इतना कहा जाए, और राजा उस समय ऐसे कोई आदर्श राजा भी नहीं थे, तो उनको तो ये था कि धन मिल रहा है। ये जो छोटे छोटे राजा थे या जमींदार वगैरह थे किसी समय में, ये सब प्रजा का खून चूसने वाले थे। आदर्श जो राज्य है, जो राम राज्य जिसको कहा जा सकता है, ये तो उस समय लुप्त हो चुका था। ये तो जैसे तैसे करके छत्रपति शिवाजी ने उस परंपरा को बनाए रखा, और महाराजा छत्रसाल जी ने भी इस परंपरा को बनाया, अन्यथा अधिकांश जो राजा थे वो तो प्रजा का खून चूसने के लिए ही बैठे थे। तो अब जाम राजा ने क्या किया कि जो धन मिहिरराज लेकर के आ रहे हैं वो जाना चाहिए दरबार में। मिहिरराज जी जब वापस आ रहे होते हैं, ये समय है विक्रम संवत 1708 का, आए उनको पकड़ा, धन मिला साथ में कुछ तो, लेकिन वो धन भी चला गया दरबार में, राज खजाना में। देखिए धन की तीन गति होती है, धन की तीन गति होती है, दान, भोग और विनाश। दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतिर्भवति वित्तस्य, यो न ददाति न भूंते तस्य तृतीयो गतिर्भवति। सबसे उत्तम गति है दान, कि आपके पास जो धन है उसका कुछ हिस्सा समाज के कल्याण के लिए। दान का मतलब ऐसा नहीं कि कोई आ रहा है कि दे दे रे बाबा करके आपने दे दिया, ऐसा नहीं, पात्र की पहचान करके देना है। मैं आपको कठोर होना नहीं सिखा रहा हूं, आप कोमलता रखिए पर साथ में बुद्धिमत्ता भी हो, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है दया दिखा करके, नाटक करके, और बाद में वो शराब पी करके नाली में पड़ा हुआ है या किसी प्रकार का नशा कर रहा है, और यदि आपके द्वारा दिए गए पैसे से नशा करके वो व्यक्ति किसी को मारता है नशे की हालत में, अगर कोई पाप करता है, दुष्कर्म करता है, तो इसमें आप भी भागीदार होंगे। इसलिए जहां तक संभव हो पात्र की पहचान करनी चाहिए। अब कैसे पहचान करें, पूरी तरह से तो संभव नहीं है, पर देखें। सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से समर्थ दिख रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, तो उसको पैसा मत दीजिए, पैसा बिल्कुल भी मत दीजिए उसको, क्योंकि वो परिश्रम करके खा सकता है। हम देखते हैं कभी कभी ट्रेन में हम यात्रा कर रहे होते हैं या स्टेशन वगैरह में, तो कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे खुददार लोग हैं, खुददार मतलब कैसे स्वाभिमानी लोग हैं, कि व्हीलचेयर पर रह रहे हैं, व्हीलचेयर पर चलते हैं, लेकिन साथ में या तो न्यूज़पेपर रहेगा उनके पास, या फिर पेन रहेगा, या कोई ऐसी चीज रहेगी जिसको बेच करके थोड़ा बहुत जो उनको उसका कमीशन मिलता है उससे गुजारा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कुछ लोग हट्टे कट्टे हैं और पैसा मांगने आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को पैसा मत दीजिए, अगर हाथ पैर आंखें सलामत है तो। अब उसके बाद आते हैं जो लगता है कि नहीं, हाथ पैर तो ठीक है पर भूखे दिख रहे हैं, और कहते हैं दो दिन से कुछ नहीं खाया है, तीन दिन से कुछ नहीं खाया है, उनको भी पैसा मत दीजिए। उनको अगर देना है, आपके मन में दया की भावना है, ठीक है, तो आप कोई खाने की चीज खरीद करके दे दीजिए। अगर कोई पैकेट वाली खाने की चीज खरीद के देते हैं तो चीज खरीद दिए उसको खोल करके दीजिए साथ में। नहीं तो होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक चिप्स खरीद कर दिया, आपको दया आई, 20 रुपए का चिप्स खरीद के दिया, वो दुकान में जाता है 15 रुपए में बेच देता है। ऐसे ऐसे भी स्कैम चलते हैं आजकल, ठीक है। तो इसलिए या तो फल वगैरह दे दीजिए, बिस्किट दे दीजिए, आपके पास रोटी सब्जी कुछ ऐसे दे दीजिए, ठीक है। एक कहावत कही जाती है, बेगर्स कांट बी चूजर्स,
बेगर्स कांट बी चूजर्स का मतलब है, जो मांगने वाले होते हैं वो चूज नहीं कर सकते। और आजकल तो मांगने के नाम पर भी आप अगर एक रुपए या दो रुपए देते हैं ना तो आपके मुंह पे फेंक देते हैं, बोलते हैं कि कम से कम 10 रुपए तो दो। ठीक है, तो ऐसा दान नहीं, दान होना चाहिए जहां आर्थिक तंगी हो, शिक्षा का प्रचार न हो रहा हो, तो वहां पर किसी शिक्षा का प्रचार करने के लिए आप दान दीजिए। ठीक है, अगर कोई संस्था कोई संगठन ऐसा कार्य कर रही है तो आप ऐसी संस्था ऐसे संगठन में दान दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि सच में वहां से ज्ञान का कार्य हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं किसी संस्था में नहीं, मैं अपने हाथ से दान देना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप क्या कीजिए कि कुछ किताबें खरीद करके ला करके दे दीजिए, कुछ साहित्य दे दीजिए, और उसमें भी देखिए कि सच में पढ़ने वाला है या किताबें भी बेच देगा। ठीक है, आजकल तो बहुत सारी चीजें चल रही ना, इसलिए विश्वास भी नहीं होता। पर हाँ, जहां ऐसी परिस्थिति आ जाए कि किसी व्यक्ति की पहचान ना हो, हर जगह पर तो हम दिमाग नहीं लगा सकते ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है, लेकिन मन कहता है एक तरफ कि नहीं, क्या पता ये सच में भूखा हो, क्या पता ये सच में दुखी हो। तो वहां पर आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए और आप अपने हिसाब से निर्णय कीजिए। तो धन की सबसे उत्तम गति होती है दान। दूसरी गति है भोग। भोग का मतलब है उपयोग करना। भोग का मतलब विषय भोग या तृष्णाओं का वासनाओं का भोग में नहीं कह रहा हूं, भोग का मतलब है उपयोग। जैसे हमें जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उन वस्तुओं का हम उपभोग करें, तो ये हो गया उपभोग। हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य सुस्विद्धनम्। त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। पहले हमने त्याग किया फिर हम उपभोग कर रहे हैं। और कभी कभी तो लोग ऐसे होते हैं, वो जिनको कहा जाता है ना बोलचाल की भाषा में कंजूस या मक्खी चूस बोला जाता है ना, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मितव्ययी होना अच्छा है। मितव्ययी का मतलब है कम खर्च करने वाला, पर आवश्यकता पड़ने पर तो खर्च करें। जो लोग आवश्यकता पड़ने पर भी खर्च नहीं करते और बचा बचा करके रखते हैं तो उनके धन का नाश हो जाता है, किसी न किसी रूप में नाश हो ही जाता है। यदि आप दान भी नहीं दे रहे हैं, आप भोग भी नहीं रहे हैं, तो आपके धन का नाश होना निश्चित है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता या अगर ऐसा नहीं होना होता तो आज से 100 साल पहले जो लोग बहुत अमीर थे आज भी वही परिवार सबसे अमीर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। आज कई लोग, कई करोड़पति जो लोग माने जाते थे आज से 10 20 50 साल पहले, वो लोग आज सड़कों पर होते हैं। तो इसीलिए ये बात तो निश्चित है कि अगर दान भी नहीं देते, उसका उपभोग भी नहीं कर सकते, तो उस धन का विनाश हो जाता है। और अगर विनाश नहीं भी होगा, आप तो चले ही जाएंगे कुछ समय के बाद, है ना, तो आपके लिए तो विनाश ही समझ लो। उसके बाद आपकी संतान क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या लेना देना। ठीक है, और किसी हमारे यहाँ तो नीतिकार कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। समझ रहे मेरी बात, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पुत्र सपूत है तो धन संचय करने की क्या जरूरत है, वो खुद इतना लायक होगा कि वो अपने लिए कमा सकता है। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर कपूत होगा तो क्या करेगा, आप बचा करके उसके लिए रखेंगे, वो कहीं पर और उड़ा देगा, जुए में लगा देगा, किसी स्त्री में लगा देगा, कहीं ना कहीं डुबो देगा। तो इसलिए चाहे सपूत हो चाहे कपूत हो, उनके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए कितना करने की आवश्यकता है, जब तक बच्चे पढ़ना चाहें पढ़ाएं, उनके स्वास्थ्य के लिए एक हिस्सा रखें। लेकिन आप ये सोचें कि मेरा बेटा बड़ा होगा, उसके लिए मैं
बैंक में इतना बैलेंस जमा करके रख दूं, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो क्या होगा? वास्तव में वो तकलीफ में ही आएगा, क्योंकि आप हमेशा रहने वाले नहीं हैं उसके साथ। और उसने अगर परिश्रम करना नहीं सीखा, आपने केवल उसको अचानक से उसके हाथ में सब कुछ थमा दिया, अधिकार दिया, तो क्या होगा? उसको मैनेज करना ही नहीं आएगा। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा थोड़ा बहुत कठिन समय दिखाना चाहिए, थोड़ी बहुत परेशानी दिखानी चाहिए। अगर आपने सोचा कि नहीं, हमने जो परेशानी झेली हमारे बच्चे ना झेलें, तो वो बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं। जिन बच्चों ने बचपन में थोड़ी बहुत तकलीफ झेली है, वो मजबूत बनते हैं और वो बाद में जा कर के बड़े बड़े स्थानों पर पहुँचते हैं। इसलिए किसी अंग्रेजी नीतिकार ने कहा कि टफ टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन, जो मुश्किल समय होता है वो मजबूत व्यक्ति बनाता है। स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स ईजी टाइम, जो मजबूत व्यक्ति होता है वो समय को आसान बना देता है। मतलब वो इतना परिश्रम करता है मजबूती से कि उसके लिए सब चीजें आसान होती है। उसके बाद ईजी टाइम क्रिएट्स वीक मैन, अब जो तीसरी पीढ़ी है वो कमजोर बनेगी, क्योंकि उन्होंने क्या देखा? इजी टाइम देखा है। और वीक मैन क्रिएट्स टफ टाइम, ये सर्कल चलता है। जो कठिन समय होता है वो मजबूत व्यक्ति को तैयार करता है, मजबूत व्यक्तित्व सरल समय तैयार करता है, आसान समय में फिर से कमजोर व्यक्ति तैयार होते हैं, और कमजोर व्यक्ति वापस कठिन समय लेकर के आते हैं। इसीलिए सभी माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को थोड़े थोड़े कष्ट दिखाते रहें, थोड़े थोड़े कष्ट। ऐसा नहीं कि बच्चे आपके सामने आकर के कह रहे हैं, नौवीं अभी तो आठवीं तक की परीक्षा में नहीं पहुंचे, कह रहे हैं कि पापा एप्पल का फोन चाहिए, पापा बाइक चाहिए, पापा लैपटॉप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस तरह से चाहिए चाहिए करते करते आप अगर सारी जरूरतें पूरी करने लग जाएंगे तो क्या होगा? और क्योंकि आपका भी भरोसा नहीं ना कि अचानक से कुछ हो जाए, और ऐसा कुछ हो जाता है खुदा न खास्ता, तो उनको देखने वाला कौन है? इसलिए हमेशा नीतिगत रूप से सोचना चाहिए और संचय भी उतना ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से धन की तीन गतियां हमने सुनी, दान, भोग और विनाश। अब एक कहावत कही जाती है हमारे यहाँ कि जो पानी का पैसा होता है वो पानी में ही जाता है, जिधर से आया होता है वो उधर ही चला जाता है। अगर सही तरीके से धन कमाया है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, दीर्घकालीन समय तक चलता है। अगर अनुचित तरीके से कमाया है तो वो जिस गति से आया है उसी गति से जाता भी है। खेता भाई का जो धन था कहीं ना कहीं दूसरों को पीड़ा पहुंचा करके कमाया गया था, कहीं ना कहीं दूसरे लोग परेशान थे, क्योंकि ब्याज में क्या होता था, आज से 50-100 साल पहले तक भी जब तक आज के जैसी बैंक की व्यवस्था नहीं थी, जब तक आरबीआई का कंट्रोल नहीं था बैंकों पर, तब तक लोग क्या करते थे? ब्याज पर पैसा देते थे, उसके बाद फिर उस ब्याज पर भी ब्याज लगता था चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, और धीरे धीरे करके अब बेचारा पहले से ही मजबूर है कि ब्याज में उसको पैसा लेना पड़ रहा है, और जिस विश्वास से उसने पैसा लिया है कि मैं ये पैसा यहाँ पर लगाऊंगा, इससे कमा करके ये चुका दूंगा और अपना व्यापार बढ़ाता रहूंगा, अगर किसी कारण वो व्यापार नहीं चल पाता है तो क्या होता है? जो चीज गिरवी रखी होती है, पहले तो ब्याज पर ब्याज लगता गया, अब वो ब्याज भी नहीं चुका पा रहा है, मूलधन तो वो चुका ही नहीं पाता है, और ऐसा कर करके कुछ वर्षों के अंतराल में क्या होता है, वो ब्याज ही मूलधन से ज्यादा दे देता है, उसके बाद भी मूलधन अभी का बचा ही हुआ है, और जब निश्चित समय तक वो धन नहीं दे पाता है तो जो चीज गिरवी रखी होती है, चाहे वो जमीन हो चाहे मकान हो, तो वो गिरवी रखी हुई चीज भी उसकी हो जाती है, जिससे पैसा लिया होता है उस मालिक की हो जाती है। और अब गिरवी रखी हुई चीज भी चली गई, जो घर है, तो सोचिए कि ऐसे व्यक्ति की जो आह है वो लेकर के कहाँ जाएगा? तो ऐसा धन जो है वो कभी भी प्रयोग में नहीं आ सकता है।
राज्य की सेवा में इस धन को लगना नहीं था, वो धन किसी भी तरह से नहीं आ पाए। अब वहां से बेटा बानी इसको रखो बेटा साथ में, उस तरफ थोड़ा पीछे लेके जाओ। श्रेया इसको संभाल ले बच्चा, साथ में रख ले। तो जाम राजा के यहां से अब मिहिराज जी आते हैं। अब बालभाई जी तक ये बात पहुंच जाती है कि मिहिराज जी को छोड़ दिया गया है। उन्होंने तो क्या सोचा था कि बंदी बना लेंगे, लेकिन बंदी तो नहीं बनाया जाता। उनको लगा बिहारी जी और श्याम जी को कि अगर मिहिरराज जी आए श्री देवचंद्र जी के सामने तो हमारी पोल खुल जाएगी, इसीलिए उन्होंने फिर से बुआ को उकसाया बालभाई जी को। बालभाई जी ने श्री देवचंद्र जी को कहा कि आप मिहिरराज से बात नहीं करेंगे, उनका प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे। देवचंद्र जी ने कहा कि देखो मिहिरराज निर्दोष हैं, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। बालभाई जी कहती हैं कि अगर आपने मिहिरराज का प्रणाम स्वीकार कर लिया तो मैं कुएं में कूद करके जान दे दूंगी। लल्लू भट्ट कृत वर्तमान बीतक में इसका वर्णन आता है कि मरु पड़ी ने कूपमा त्यारे बालबाई मारू नाम, कि अगर मैं कुएं में कूद करके मर गए तभी मेरा नाम बालबाई है। अब उन्होंने धमकी दे दी। अब तीन प्रकार के हट होते हैं ऐसा कहा जाता है, स्त्री हट है, बाल हट है, योगी हट है। तो यहां स्त्री हट है। अब देवचंद्र जी सोच रहे हैं, असमंजस में पड़ गए कि क्या करें। तो वहां उन्होंने प्राण बचाना ज्यादा उचित समझा। वैसे तो मिहिरराज जी निर्दोष हैं ये देवचंद्र जी को पूर्ण विश्वास है, लेकिन अगर इस बात को देख करके मिहिरराज जी का प्रणाम स्वीकार करते तो इधर बालभाई जी से हाथ धो बैठते, क्योंकि धमकी तो दी ही थी, क्या पता सच में कूद जाती। इसीलिए उन्होंने अपने मुंह पर वस्त्र डाल लिया और उठे ही नहीं। मिहिरराज जी आते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन देवचंद्र जी प्रणाम स्वीकार नहीं करते। वहां से दुखी होकर के वह लौटे वापस। अब वास्तव में तो ये भी कारज कारण है, ये भी एक भूमिका ही है कि मिहिरराज जी के हृदय में वो विरह पैदा करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने खटृतु की वाणी का गायन सुना। यदि ये अवस्था नहीं आई होती तो ब्रह्मवाणी का अवतरण कैसे होता, इस प्रकार की वाणी का अवतरण कैसे होता। इसीलिए ये तो एक परिस्थिति बनाई जा रही थी। अब मिहिरराज जी वहां से जाते हैं, 2 वर्ष तक नौतनपुरी में ही रहते हैं, और इन 2 वर्षों में वो तड़पते रहते हैं, लेकिन मन ही मन वो सोचते हैं कि अगर सद्गुरु महाराज बुलाएंगे तभी मैं जाऊंगा, नहीं बुलाएंगे तो नहीं जाऊंगा। अब देवचंद्र जी भी बुला नहीं रहे हैं क्योंकि सबका दबाव है, और मिहिरराज जी स्वयं भी जा नहीं रहे हैं। तो यही जो प्रसंग है इन 2 वर्षों का, उसको खटऋतु में वर्णित किया गया है। खटऋतु मतलब 6 ऋतुएं। वैसे तो मूल रूप में 3 ही ऋतु होते हैं, लेकिन उन्हीं 3 ऋतुओं को विभाजित करके 6 ऋतुएं बनाई गई है, क्योंकि मौसम तो 3 ही होते हैं ना, सर्दी गर्मी और वर्षा। ठीक है, अब सर्दी से जब गर्मी आ रही होती है तब भी 1 ऋतु है, गर्मी से जब सर्दी आ रही होती है तब भी 1 ऋतु होती है, इस तरह से 6 ऋतुएं होती है। अब हर ऋतु में हर मौसम के हिसाब से एक जो प्रेमिका है अथवा प्रेमी है उनका मूड होता है, उनकी मनोदशा होती है। मूड को हम हिंदी में मनोदशा कहते हैं। मनोदशा कैसी, वो निर्भर करता है परिस्थिति पर। जैसे कि यदि
प्रसंग परिस्थिति सब अनुकूल हो तो लोग जैसलमेर घूमने जाते हैं, गर्मियों में भी जा सकते हैं। जैसलमेर मतलब रेगिस्तान। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका को लेकर के जैसलमेर जा सकता है इतनी गर्मी में। लेकिन यदि सच में अपनी प्रेमिका से बहुत अधिक प्रेम हो और उससे वियोग हो, वियोग सहन करना पड़ रहा हो, तो उस लड़के को परिवार वाले मन बहलाने के लिए कश्मीर की ठंडी वादियों में भी लेकर के जाएं, मसूरी मनाली कहीं पर लेकर के जाएं, किसी भी जगह पर, और वहां पर भी उसके अंदर वही जलन होगी, वो पीड़ा होगी कि मुझे मेरी प्रेमिका से अलग किया जा रहा है। तो ये परिस्थिति पर मनोदशा निर्भर है। अब इंद्रावती जी की आत्मा श्री देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान राज्य से अलग हैं अभी जाहिरी रूप से, और अब तक क्योंकि वाणी अवतरित नहीं हुई है जो ये बता दे कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है या सहरग से नजीक, अभी तो सब जाहिरी रूप में ही देख रहे थे ना, तो इसीलिए अब मिहिर राज जी विरह करते हैं ऋतुओं के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि होली का समय चल रहा है, वसंत ऋतु मान लीजिए कि वसंत में वसंतोत्सव मनाया जाता है, फाग मनाया जाता है, तो एक विरही व्यक्ति के लिए क्या कैसा रहेगा कि देखो पूरी दुनिया जो है वो रंगों में मस्त है और मेरे जीवन में वो फीकापन है, वो विरह है। ठीक है, एक विरही व्यक्ति के लिए वर्षा ऋतु में ऊपर से जो टपक रही जल धारा है या जल की बूंदे हैं वे भी अम्लीय वर्षा की तरह पीड़ादायक लग सकती हैं। अम्लीय मतलब एसिड की तरह पीड़ादायक लग सकती है। इसी तरह से एक विरह में डूबे हुए व्यक्ति को सर्दी की जो रातें हैं वो रातें लंबी लग सकती हैं और वो लंबी रातें पीड़ादायक लग सकती हैं। एक साधारण जो खुश मिजाज व्यक्ति होगा ना, उसको सर्दी में बड़े आनंद से सोने का मन करेगा कि मैं बिस्तर से बाहर ही न निकलूं, और एक जो विरह में तड़प रहा है उसको वो रातें जो लंबी रात है वो पीड़ादायक लगेगी। वो सोचेगा कि दिन तो जैसे तैसे बीत गया पर ये रात बीतने का नाम नहीं ले रही है। इस तरह से भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में मिहिर राज जी ने अथवा उनके अंदर विराजमान इंद्रावती जी ने विरह किया, जो जिनका वर्णन खट ऋतु में उन्होंने किया कि खट ऋतु में साथ को कहिया सभी एक खोल, वो सारे रहस्य खोल करके उन्होंने बताए हैं और सुंदर साथ को सिखापन भी दिया है कि किस तरह से उन्होंने विरह के द्वारा, प्रेम के द्वारा राज्य को अपने हृदय रूपी पिंजड़े में बसाया है और कैसे उसी विरह ने उसी प्रेम ने राज्य को कैसा बनाया है, तोते के समान। और इंद्रावती जी खटरितु की वाणी में कहती हैं कि राज्य मैंने आपको अपने हृदय में बंद किया है और आपको तोता बना करके मैं अंगूर बन करके आपको खिलाऊंगी और आपको खाना पड़ेगा। मैं आपको अपने वशीकरण की प्रेम रूपी दोरी से बांध करके रख रही हूँ और मैं आपको जैसे नचाऊं आपको नाचना पड़ेगा, मैं जहां हूं वहां आपको आना पड़ेगा। क्या कहते हैं इंद्रावती जी, हवे जेम नचवू तेम नाचो मारा वाला, आव्या इंद्रावती ने हाथ ते वशीकरण ने दोरिये बांधू जेम देखे सहुसा। तो मैंने आपको प्रेम रूपी वशीकरण की डोरी से बांध दिया है। इस संसार में भी किसी व्यक्ति को भी किसी प्रकार का बंधन नहीं लगता है। अगर बंधन है तो वो किसका बंधन है, प्रेम का बंधन। जहां प्रेम का बंधन होता है वहां पर केवल शब्दों से लोग बंध जाते हैं और जहां प्रेम का बंधन नहीं है वहां प्रिजन ब्रेक होता है, जेल से भी लोग छूट जाते हैं किसी भी तरह से। तो इसीलिए प्रेम रूपी बंधन से डोरी से राज्य को बांधने का जो तरीका है, उसकी जो कला है, वो इंद्रावती जी ने खट ऋतु में समझाई। इस प्रकार 2 वर्ष बीतते हैं नौतनपुरी में। एक दिन भाभी ने ताना मार दिया घर पर ही,
कौन सी भाभी ने? सांवल्य ठाकुर की पत्नी ने। किस बात पर ताना मारा? वो कहती हैं कि जिस सदगुरु के पीछे तुमने अपने भाई को मारने की कोशिश की थी, आज उसी सदगुरु ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया है, वही तुम्हें बुला नहीं रहे हैं, और जिस भाई को मारने की कोशिश की थी आज तुम्हें उसी के घर में पलना पड़ रहा है, उसी की कमाई पर पलना पड़ रहा है। अब होता क्या है कि एक कहावत कही जाती है ना कि तलवार के हथियारों के घाव तो भर जाते हैं पर शब्दों के घाव नहीं भरते। कहते हैं कि वचन जो है वो बाण के समान होते हैं, कठोर वचन जो है वो बाण के समान होते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे साले सकल शरीर। कटु वचन तीर के समान होते हैं जो श्रवण द्वार के द्वारा अंदर जाते हैं और पूरे शरीर में पीड़ा देते हैं, और मधुर वचन औषधि का काम करती हैं। अब भाभी जी का ताना सुन करके उदास होते हैं और सुबह सुबह उठ करके वहां से वो धरोल चले जाते हैं और फिर वहां से कला जी के पास जाते हैं। कला जी के पास जा करके वो रोजगार मांगते हैं कि मुझे काम दे दीजिए। अब उनको काम ये सब तो आता ही था, राज दरबार का काम तो वो करते ही थे, पहले भी किया था उन्होंने, तो इसलिए अब 2 वर्ष तक उन्होंने कला जी के पास काम की, और उसके बाद भी 2 वर्ष के बाद 8 महीने तक, कुल 2 वर्ष 8 महीने तक उन्होंने काम की, और उसके बाद आकर के कला जी से कहते हैं कि अब मुझे छुटकारा दीजिए, अब मुझे ये काम नहीं करना है। उनके मन में क्या भाव आने लगा था ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, हर सुंदर साथ के लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विशेष रूप से जो विद्यार्थी ज्ञानपीठ में है मैं उनको तो बार बार इस बात से अवगत कराना चाहूंगा, क्योंकि सुंदर साथ ने तो अपने जीवन में भी बहुत सारे अनुभव किए हैं, पर आप सब छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके अपने जीवन का अनुभव कुछ नहीं, अभी अनुभव के नाम पर आपने कुछ किया ही नहीं दुनिया का। सौभाग्यशाली है कि ज्ञानपीठ का अनुभव आप कर रहे हैं, हो सके तो दुनिया का अनुभव करना नहीं पड़े तो अच्छा है, पर मैं एक सिखापन के लिए इस प्रसंग को कह रहा हूँ। मिहिरराज जी अब राज दरबार का काम क्यों छोड़ना चाह रहे? नौकरी कौन सी है? दरबार में। आज अगर सी और डी कैटेगरी की भी जॉब किसी को मिल जाती है ना, तो उसके लिए घर पे लड्डू बांटे जाते हैं, और मिहिरराज जी ए ग्रेड की जॉब छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट राज दरबार में नौकरी है उनकी, उसको वो छोड़ रहे हैं। और क्यों छोड़ रहे हैं जानते हैं? 2 कारण, एक तो सदगुरु के पास जाना है, और जो जाहिरी कारण है वो ये है कि जब भी दरबार में काम करते थे तो, क्योंकि काम तो काम ही होता है, जिसके पास आप काम कर रहे हैं तो जिसका काम आप कर रहे हैं वो मालिक है और आप वहां पर नौकर हैं। अगर काम में कोई भी गड़बड़ी होगी तो मालिक डांटेगा कि नहीं डांटेगा? बिना गलती के भी डांट सकता है वो, क्योंकि आप उसके यहाँ नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी करने वाला नौकर ही होता है, बिना गलती के भी डांट सकता है। तब आप इतने मजबूर होते हैं कई बार, क्योंकि पैसा कमाना है, तो वहां आप मालिक की डांट बिना गलती के भी खा लेते हैं, क्योंकि वहां स्वार्थ होता है। अच्छा, ज्ञानपीठ में यदि आपको बिना गलती की कोई डांट दे तो आपसे सहन होगा? ठीक है, अगर किसी के भी मन में आता हो कि नहीं हम तो बड़े होंगे और बड़े होकर के यहाँ से जा करके ये काम करेंगे वो काम करेंगे, हमें इस प्रसंग से सीखना चाहिए कि मिहिरराज जी ने केवल इस बात को लेकर के नौकरी छोड़ दी। हाँ, मैं नौकरी करना बुरा नहीं कह रहा हूँ, सामान्य लोगों को करना चाहिए, पर आपको जो मौका मिला है राज्य की कृपा से, नौकरी करने का जो अंतिम लक्ष्य है वो सारा आपको ज्ञानपीठ में पूरा होता है राज्य की कृपा से, क्योंकि इंसान अंतिम में चाहता क्या है? शांति, यही तो चाहता है ना। जो सामान्य आवश्यकता है वो हर किसी की पूरी होती है, पर लोग पैसा वगैरह कमाना इसलिए चाहते हैं कि अंत में सुख मिले, शांति मिले,
और राज्य की कृपा से आपने अध्यात्म का चयन किया है, तो आध्यात्मिक व्यक्ति जितनी शांति किसी के पास नहीं होती है। तो मिहिर राज जी ने केवल ये सोच करके कि अगर मैं इनके सामने अपने अहंकार को मार सकता हूं नौकरी के लिए, तो सदगुरु के सामने मैं अहंकार क्यों रख रहा हूं। सदगुरु ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, तो मैं अपना अहम दिखा करके अगर सदगुरु के पास वापस नहीं जा रहा हूं, तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। जब मैं राजाओं के सामने झुक सकता हूं, दुनिया के राजा के सामने, दरबारियों के सामने झुक सकता हूं, तो फिर राज्य के सामने क्यों नहीं झुक सकता। ये सोच करके मिहिर राज जी ने उस नौकरी को छोड़ने का विचार मन में लिया। अब क्योंकि जिम्मेदारी है और जिम्मेदार भी हैं, मिहिर राज जी ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई है, चाहे राज्य के हृदय में बैठने से पहले की बात हो चाहे बाद की बात हो। तो यहाँ पर भी उन्होंने सोचा कि अब जिम्मेदारी मैंने ली है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपा जाए जो जिम्मेदार है। कला जी के पास जाकर के कहा कि अब मुझे छुटकारा चाहिए। कला जी कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है कि आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ करके दीजिए जिसको आप जानते हो और जो आपके जैसा काम कर सके। अब मिहिर राज जी ऐसा व्यक्ति ढूंढने लगते हैं, योग्य व्यक्ति। उधर देवचंद्र जी की जो उम्र है अब लगभग 73 वर्ष की हो चुकी है, 73 वर्ष से अधिक, बरस 74 में न्यून भया एक मास, ऐसा कहा है। तो देवचंद्र जी की सुरता अब निज धाम की तरफ जा रही थी, अर्थात ये नश्वर तन वो छोड़ने वाले थे, लेकिन ऐसे छोड़ना संभव नहीं था। मिहिर राज जी से मिले बिना कैसे छोड़ते। उन्होंने कहा कि मिहिर राज को मेरे पास बुला करके लेके आओ। पूरी बात उन्होंने नहीं बताई। बालभाई जी गई बुलाने के लिए, तो बालभाई जी ने कहा कि मैं ये जो लौकिक काम है उसको छोड़ करके जल्दी ही आता हूँ, क्योंकि अवस्था तो बताई नहीं थी कि किस कैसी परिस्थिति है। अगर ये गंभीरता बताते तो शायद मिहिर राज जी उसी समय आ जाते, पर उनको लगा सामान्य रूप से बुला रहे होंगे, अब जिम्मेदारी भी इधर राजा की, तो वो एक बार पूरा कर लिया जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा। फिर जब कुछ दिनों तक नहीं आए मिहिर राज जी, तो फिर देवचंद्र जी ने बिहारी जी को भेजा। और बिहारी जी इतने कपटी व्यक्ति कि ऐसी परिस्थिति में भी वो सच नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिताजी को थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ी बीमारी है, आप अंबर और कस्तूरी दे दीजिए। अब मिहिर राज जी ने अंबर और कस्तूरी मंगा करके दे दी, हो सकता है किसी औषधि के रूप में प्रयोग होता हो। फिर उन्होंने कहा कि मैं भी जल्दी ही प्रणाम करने आऊँगा, जल्दी ही मैं ये सब काम छोड़ करके आऊँगा। अब बिहारी जी वहाँ से जाते हैं, दोबारा देवचंद्र जी ने भेजा कि तुम जा करके मिहिर राज जी को जल्दी बुला करके लेके आओ। उस मिहिर राज को लेकर के आओ जो सिंधी में भजन बना बना करके मुझे सुनाया करते थे, जिसमें वो मेरे गुण का बखान करते करते नहीं थकते थे। वो सिंधी की भाषा में क्या कहते थे, जान हूण कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मत्थन, मत्था मत्था कोड़ मुह, मुह मुह कोड़ जिभन, हितरा मीड़ी तो ही जा, ताजे गुण गिनन, भाल तो ही जे ही किड़ी, पूजी तेना सगन। ये सिंधी का भजन है जो मिहिर राज जी ने बनाया था। और उसका भाव क्या है, कहते हैं कि मेरे जान में, मेरे शरीर में करोड़ों धड़ हो, ऐसे ये धड़, एक एक धड़ में करोड़ों सिर हो, एक एक सिर में करोड़ों मुख हो, और एक एक मुख में करोड़ों जीव हो, तो इतने करोड़ों मुख के द्वारा भी हे सद्गुरु महाराज मैं आपके एक गुण का भी वर्णन नहीं कर सकता। और कुछ इसी प्रकार का जो भाव है वो प्रकाश की वाणी में भी दिखता है। वो क्या कहते हैं कि मेघ की बूंदे जेती परे, या कोई वनस्पति निर्वाण करे, यद्यपि या को निर्वाण होए, पर गुण धनी के लिख ना सकूं कोई, गिन ना सकूं कोई। कि बारिश की बूंदों की गणना हो सकती है, संसार में कितने पेड़ पौधे वनस्पति है उनकी भी गणना हो सकती है, लेकिन धाम धनी के गुणों को नहीं गिना जा सकता है।
फिर उन्होंने क्या कहा कि ये जो सब धरती कागज करूं, पूरी धरती को कागज के समान बनाया जाए और लेखनी सब बन रहा है, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको काट करके लेखनी बनाया जाए और सात सागर मसी करूं, पूरे सात सागर के जल को स्याही के रूप में बनाया जाए और उसके बाद जो लेखनी बनाई गई थी उस लेखनी की जो निब होती है ना, आगे की जो नोक है वो इतनी बारीक हो जैसे कि कथुए का पैर। कथुआ पता है आपको? आपने जो पुराने पुराने किताब होते हैं उसमें कीड़ा देखा होगा, बिल्कुल छोटा सा सफेद सा, उसके पैर देखें? नहीं देखा होगा आपने, इतना बारीक होता है। अगर देखा भी तो मैग्नीफायर लगा के देखना पड़ेगा। वो कहते हैं कि कथुए के पैर को भी बीच में से चीरा लगाया जाए तो कितना बारीक होगा, उतना बारीक तो नोक हो उस लेखनी का। और उसमें सदगुरु के गुणों की संख्या में लिखूं एक, कितने बड़े कागज में, पूरी धरती को कागज मान लिया जाए और फिर एक लिखा जाए, उसके सामने शून्य बनाया जाए और शून्य भी इतना छोटा बनाऊं कि जगह बिल्कुल भी बर्बाद ना हो, तो सदगुरु के गुणों की संख्या कितनी हुई, 10। फिर एक और शून्य लगा करके मैं 100 लिखूं तो सदगुरु के गुण हुए 100। इस तरह से मैं आगे शून्य लगा लगा करके, कितना शून्य लगा सकते हैं आप, आपको गिनती कितनी पता है, 1,000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 ,
सोलह बार शून्य लगाने तक आप गिनती कर सकते हैं। वो तो एक लाइन में भी नहीं चाहिए, जब इतना पतला सा नोक है और उस हिसाब से आप लिख रहे हैं। और सद्गुरु के गुण कितने हो गए, इतने। और कहते हैं पूरी धरती में मैं शून्य के बाद शून्य शून्य लगाते जाऊं तो हम मेरे सद्गुरु के गुण इतने अधिक हैं और इस पर भी नहीं आएंगे, ऐसा प्रकाश की वाणी में भाव आया है। तो यहाँ पर सिंधी की भाषा का भजन का वर्णन करते हुए देवचंद्र जी कहते हैं कि उन्हें बुला करके लाओ। अब बिहारी जी पुनः आते हैं, थोड़ा सा इशारा करते हैं और कहते हैं कि पिताजी को दुख रहा है, बाप को दुखत है, कछु औषधि चाहिए इत। उन्होंने ये नहीं कहा कि अंतिम सैया पर पड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि बस कुछ दर्द है, कुछ पीड़ा है, कुछ औषधि चाहिए। मेहरा जी ने औषधि मंगा करके दे दी और कहा कि मैं बस थोड़ा सा काम अटक रहा है, उसको निपटा करके आ रहा हूं। अब देवचंद्र जी के मन में ये बात खटकती है कि मिहिरराज कभी ऐसा नहीं करते थे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने 3 बार बुलाने के लिए भेजा और अभी मिहिरराज नहीं आए। ये बात देवचंद्र जी के मन में रही। तो अब बिहारी जी कहते हैं कि पिताजी आप ही उन्हें बार बार याद करते हैं, हम तो कह कह करके थक चुके हैं और वो आने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप बुलाने से थक नहीं रहे हैं। तो देवचंद्र जी कहते हैं बिहारी जी को कि तुम बुलाए लियाओ इन, मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन, कि आप उन्हें बुला करके लेके आइए, क्योंकि मैं तब तक धाम दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक इंद्रावती जी उस दरवाजे के सामने खड़े होकर के रो रही है। इसका तात्पर्य क्या है? राजी परम धाम के रंग महल में वापस नहीं जा रहे हैं और रंग महल के दरवाजे में जो कि चांदनी चौक को पार करके 100 सीढ़ियां 20 चादर चढ़ने के बाद आता है, उस दरवाजे की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इंद्रावती जी के हृदय रूपी धाम में प्रवेश करने की। और जहां पर इंद्रावती जी के रोने का तात्पर्य क्या है, जिस हृदय में बैठ करके आगे की जागनी का कार्य करना है वही दिल दुखी है तो फिर कैसे बैठा जाए। सामान्य नियम के हिसाब से भी
हम किसी के घर पर जाने का मन रखें और वो उस घर का जो व्यक्ति है वो आपको बुलाना नहीं चाहता है और आपको अगर पता चले तो आप जाओगे उसके घर में, नहीं जाओगे? और अगर आपके जाने से वो व्यक्ति दुखी होता है ऐसा पता चले तब भी नहीं जाओगे? और जो पहले से ही दुखी है तो वहां पर भी नहीं जाएंगे? तो ये लौकिक हिसाब से, यहाँ अलौकिक दृष्टि से हम चाह रहे हैं कि मिहिरराज जी एक बार कम से कम मिल लें, उनको जागने की कुछ कुछ विशेष बातें बतानी है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन, वो दरवाजे पर खड़े होकर के रो रही है। अब किस तरह से पुनः बालबाई जाती हैं, बालबाई जी जाकर के मिहिरराज जी को थोड़ा सा डांटती हैं और किस प्रकार बालबाई जी के द्वारा पूरी वास्तविकता सुनकर के मिहिरराज जी आते हैं सदगुरु के चरणों में, कैसे प्रणाम करते हैं, किस प्रकार मिलने के बाद लगभग 9 वर्ष से भी अधिक की जुदाई सहने के बाद पुनः मिलते हैं 22 दिन तक साथ में रह करके, कैसे सदगुरु धनश्री देवचंद्र जी अपने नश्वर तन का त्याग करते हैं और उसके बाद किस प्रकार बिहारी जी को गादी पर बैठाया जाता है, कैसे मिहिरराज जी सुंदर सात की जागनी के बारे में सोच करके अपने तरफ से प्रयास करते हैं लेकिन बिहारी जी की कृपा से उन्हें नजरबंद अथवा जेल में जाना पड़ता है और किस तरह से वहाँ पर विरह करके हमारी ब्रह्मवाणी का अवतरण प्रारंभ होता है और कैसे जागने की लीला आगे बढ़ती है, वो सारी भी तक सुनेंगे हम कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दोहराइए। तब बिहारी जी को कहिया तुम बुलाए लियाओ इन मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। बोलो श्री प्राण।